उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बोलेरो ड्राइवर अमजद के द्वारा दूल्हे के चाचा को गाड़ी से रौंदकर हत्या मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने आरोपी अमजद को गिरफ्तार किया है। विंध्याचल कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने घटना के बाद आरोपी अमजद की तलाश की। पुलिस अब अमजद से पूछताछ कर रही है। दरअसल विंध्याचल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहखर गांव के पास कोलाही के रहने वाले राजेश धर दुबे अपने भतीजे की शादी से मिर्जापुर शहर से वापस घर लौट रहे थे। परिजनों का आरोप है कि बोलेरो चालक अमजद ने पीएम मोदी और सीएम योगी को गाली दी, जिसका राजेश ने विरोध किया। इस पर राजेश और अमजद के बीच बहस हुई। परिजनों का आरोप है कि विरोध जताने और बहस करने पर अमजद ने राजेश को बोलेरो से रौंदकर उसकी हत्या की। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर विंध्याचल कोतवाली में अमजद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ कर रही है। घटना के वक्त बोलेरो गाड़ी में बैठे प्रत्यक्षदर्शी का कहना था, अमजद बोलेरो गाड़ी को तेजी से चला रहा था, जिस पर राजेश ने कहा कि आराम से चलो, प्रधानमंत्री को भी देर हो जाती है। इस पर अमजद ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को भद्दी भद्दी गाली देनी शुरू कर दी। राजेश ने उसे रोकने की कोशिश की। अमजद और राजेश में बहस हुई और इसी दौरान अमजद ने राजेश को गाड़ी से धक्का दे दिया। राजेश ने गाड़ी से बाहर निकलते वक्त शीशा पकड़ लिया और लटके रहे। अमजद गाड़ी रोकने की बजाय राजेश को घसीटते रहा और कुछ समय बाद उन्हें बोलेरो से रौंद दिया। फिर गाड़ी छोड़कर वो मौके से फरार हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।